जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य सही है, जिसमें कार्य करने की क्षमता और ईमानदारी है, उसे परिस्थितियां दबा कर नहीं रख सकती। रुकावटें थोड़ी देर के लिए आती अवश्य हैं, परंतु वे क्षणिक होती हैं और उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्तियों को कोई रोकना भी नहीं चाहता। असलियत तो यह है कि ऐसे आदमी की खोज रहती है। कंपनियां ऐसे उपयोगी आदमी को ढूंढ निकालती हैं। आज की दुनिया में अच्छे व्यक्तियों की बहुत बड़ी भूख है, लालसा है। हर व्यक्ति उन्हें चाहता है। हर कोई ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को चाहता है जो सारी जिम्मेदारियां संभाल ले, परंतु ऐसे आदमी बहुत थोड़े होते हैं और उन्हें हासिल करने वालों में जबरदस्त होड़ लगी रहती है। निर्धनता से छुटकारा कैसे पाएं? गरीबी का संबंध पूर्व जन्म के कर्मों से नहीं, वरन मनुष्य के अपने दुर्गुणों से है। इसका निराकरण भी उसके अपने हाथ में ही है। अतः निराशा को त्याग कर उद्यम, परिश्रम और साहस के शस्त्रों से इसका डटकर मुकाबला करें और निर्धनता के सागर से उबरकर जीवन को समृद्ध और सुखी बनाएं। मानव जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप वस्तुतः निर्धनता या दरिद्रता है। मानव सभ्यता के नाम पर यह एक काला धब्बा है। निर्धन व्यक्ति कहीं का नहीं होता, घर का न घाट का। आपको ऐसे अनेक व्यक्ति मिल जाएंगे जो प्रतिभावान तो हैं, परंतु निर्धनता में ऐसे जकड़े हैं कि उनकी क्षमताओं का विकास ही नहीं हो पाता। वस्तुतः निर्धनता व्यक्ति के विकास का मार्ग तो अवरुद्ध करती ही है, साथ ही उसमें अपराधी प्रवृत्तियां भी पैदा कर देती हैं। दरिद्रता एक ऐसा भयंकर महारोग है जो तन और मन दोनों को भस्म कर देता है। निर्धन व्यक्ति दयनीय और हास्यास्पद हो जाता है। सच्चाई तो यह है कि निर्धनता मानव जीवन की असह्य कठिनाइयों की मूर्त गाथा है। ईश्वर ने इस संसार की रचना सुख और आनंद के लिए की है, परंतु यह दुर्भाग्य है कि यहाँ असंख्य व्यक्ति ऐसे भी हैं जो कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन बिताते हैं। निश्चय ही इन लोगों ने कोई अपराध किया होगा। क्या वजह है जो ये लोग सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं कर पाते? इसका उत्तर खोज लेना कठिन नहीं, परंतु उत्तर की खोज से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि निर्धनता दैवी देन नहीं, क्योंकि इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण करने वाली शक्ति निर्धनता जैसी गंदी और कुरूप वस्तु को क्यों जन्म देने लगी। लेकिन सोचने वाली बात है कि यही बात है तो गरीबी का घुन भगवान की इस सर्वश्रेष्ठ रचना को कैसे लगा? इसका उत्तर अंततः यही है कि यह सब कमजोरी मनुष्य की अपनी है। गरीबी का संबंध पूर्व जन्म से नहीं, वरन मनुष्य के अपने दुर्गुणों से है। ईश्वर ने गरीबी नहीं थोपी, इसका प्रादुर्भाव मनुष्य की अपनी हीनता से हुआ है। इसका अर्थ स्पष्ट है। इसका निराकरण भी मनुष्य के अपने हाथ में है। इन कमजोरियों को दूर करना भी उसके अपने हाथ में ही है। वो अपनी शक्ति से उसे समाप्त भी कर सकता है। अपने मन से निर्धनता की भावना को त्यागे। यह एक ऐसा भयंकर महारोग है जो तन और मन दोनों को भस्म कर देता है। संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो निर्धनता को ही वरदान मानते हैं, अभिशाप नहीं। उन्हें निर्धनता में ही सुख मिलता है। वे कहते हैं मनुष्य 99 के फेर से बचकर चिंता मुक्त जीवन जी सकता है। वे लोग फुटपाथ पर ही अपना जीवन बिता देते हैं और ऐसी स्थिति में अपने को स्वतंत्र मानते हैं। लेकिन इस बात पर विचार किया जाए कि यह तो एक भ्रम है, स्वयं को धोखा देना है। सोचने की बात है, अभाव, गरीबी और हीनता से सुख और शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? सर्दी में बिना कपड़ों के ठिठुरता हुआ आदमी सुखी नहीं हो सकता। बिना आश्रय के बरसात में भीगते हुए आदमी को कौन सुखी कहेगा? गर्मी की चिलचिलाती धूप और जलती लू में किसे सुख मिलेगा? भूखे पेट किसे नींद आ सकती है? यह अभाव सुख नहीं है। कठिनाई का जीवन कोई बिरला साधु सन्यासी ही पसंद करेगा, क्योंकि उसके जीवन का ध्येय ही दूसरा होता है। वे सुख सुविधाओं का त्याग कर सकते हैं, परंतु कपड़ा तो उन्हें भी चाहिए, रोटी उन्हें भी चाहिए और छोटी झोपड़ी उन्हें भी चाहिए। उनका लक्ष्य संग्रह नहीं, त्याग होता है। पर हम में से कितने लोग त्यागी हैं? मानव का लक्ष्य समृद्ध जीवन है, अभाव नहीं।
मनुष्य इस संसार में सुख सुविधाओं का उपभोग करने आया है। इस सुख सुविधाओं के लिए यत्न न करने वाले व्यक्ति को ही निरुद्यमी कहा जाता है, निकम्मा और आलसी कहा जाता है। आवश्यकता और इच्छा होने पर उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न न करने का नाम ही गरीबी या निर्धनता है। निर्धनता अनेक कष्टों और विपत्तियों की जननी है। मनुष्य इस संसार में अनेक वस्तुएं देखता है, उससे प्रभावित होता है, उसे प्राप्त करने की इच्छा उसके मन में उठती है। इन इच्छाओं का पूरा न हो पाना ही निर्धनता है। जब आप अपनी किसी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाते तो आपको अपनी गरीबी का अनुभव होता है। मनुष्य के लिए इससे बढ़कर और कष्ट क्या होगा कि वह जो चीज़ प्राप्त करना चाहता है वह उसे मिल न पाए। निर्धन व्यक्ति का भाग्य ही ऐसा होता है। वह आलिशान मकान देखता है, साजो सामान से भरी हुई दुकानें, सुखी अमीरों को देखता है, उसके दिल पर सांप लौटता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति को व्यवहारिक रूप न देने के कारण वह सदैव ही घुटन का शिकार रहता है, चिंताओं से घिरा रहता है, उसका जीवन नीरस होता है। निर्धनता सांसारिक अभावों को तो जन्म देती है, साथ ही मानसिक सुख और शांति को भी नष्ट कर देती है। निर्धन व्यक्ति की न तो कोई इज्जत होती है, न उसे कोई सुख नसीब होता है। वह अपने आप को ऐसे विशाल दलदल में फंसा अनुभव करता है जहाँ से निकलना सर्वथा असंभव होता है। संपत्ति उसके लिए स्वप्न मात्र होती है। वह न अपनी पत्नी को प्रसन्नता दे सकता है, न अपने बच्चों को। दोस्तों मित्रों के साथ मौज मजा तो उसके लिए सर्वथा अनहोनी बातें होती है। वह अपने आसपास लोगों के बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनते जाते देखता है, उन्हें बड़ा होते सब सुसंकृत होते देखता है और अपने बच्चों की दयनीय गंदी हालत देखकर अपने ही माथे पर हाथ मार कर रोता है। वह चिड़चिड़ा और झगड़ालू हो जाता है, गंदी आदतें उसमें घर कर जाती है। निर्धन व्यक्ति सामाजिक रूप से दिवालिया होता है, क्योंकि न तो उसके मित्र होते हैं न सगे संबंधी। घर में किसी चीज के न होने से पत्नी के उलाने, दुकानदारों के तकाजे और भविष्य की चिंता उसे कमजोर बना देती है। वह लापरवाह हो जाता है, किसी बात पर ध्यान नहीं दे पाता। मित्रों का परामर्श उसके लिए बेअसर होता है। वह सारी दुनिया को ही दुश्मन समझने लगता है। निर्धन व्यक्ति में आत्मविश्वास नाम की कोई चीज नहीं होती। कठिनाइयों से उसकी हिम्मत टूट जाती है। उसे लगता है कि वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे अपनी शक्ति में विश्वास नहीं रह जाता, इसलिए वह निर्धनता के चंगुल से बाहर नहीं निकल सकता। वह हर समय अपने आप को खतरे में महसूस करता है। वह अनुभव करने लगता है कि वह लोगों के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली है। आत्म सम्मान न होने के कारण वह लोगों की खुशामद भी करने लगता है, और वह भी बहुत सस्ती। निर्धन दयनीय व्यक्ति को अपने भविष्य के संबंध में न कुछ ज्ञात होता है, न आस्थाएं, अधूरी आकांक्षाएं उसके मन में कुंठा पैदा कर देती हैं। उसमें न कोई कल्पना होती है, न ही कोई अभिलाषा। यदि परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाए तो निर्धनता का मूल कारण व्यक्ति की निष्क्रियता होती है। निर्धन परिवार में पैदा होने से आवश्यक नहीं कि आप निर्धन बने रहे। आपको यह भी सोचना चाहिए कि पैदा होते समय आप पढ़े लिखे भी नहीं थे और न आप में चलने फिरने की शक्ति थी। निर्धन परिवार में जन्म होने से आपके पास साधनों की कमी हो सकती है, परंतु आप पंगु तो नहीं बने रह सकते। महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपनी पारिवारिक निर्धनता से ही प्रेरणा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। निर्धनता भी फिजूल खर्ची से ही पैदा होती है। अपने धन का अपव्यय ही फिजूल खर्ची है। फिजूल खर्च आदमी बाद में लोगों से उधार मांगने लगता है। उसे यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि कोई देवता आकाश से उतरकर उसके कष्ट दूर करने नहीं आएगा। जो संघर्ष करता है, मेहनत करता है, उससे सभी लोग सहानुभूति रखते हैं और उसकी आवश्यक रूप से सहायता भी करते हैं।